हे गाइस, कैसे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर ये सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंडियन रिएक्शन बॉयज। तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया से रह रहे होंगे। आगे बोलो भाई, जो आज का टॉपिक है, मतलब जो आपकी फरमाइश, आपको पता है आपकी फरमाइश के बेस पर चैनल है, आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मतलब आज की जो वीडियो है हमारी जिस पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, अब्दुल बसीर बेस्ट सिंगर इन गेम शो लीग सीजन 3 का है। देखो उन्होंने जितने बेस्ट सॉन्ग आए ना, उसका एक क्लिप है छोटा सा। और हमें ये पता है कि जब वो शुरुआत में आए थे तो बढ़िया गा नहीं पा रहे थे, ठीक है, और धीरे धीरे इन्होंने इतना अपने आप को बढ़िया कर दिया कि आज रवि का जैसे बेस्ट सिंगर को भी टक्कर दे देते हैं। है? आप भी इस बात के गवाह हुए। अच्छा, मुझे एक और बात बतानी है, हो सकता है बीच में हम कुछ दिन गायब रहे, मे भी हो सकता है वीडियो ना डल पाए कुछ दिन, और उसका रीजन भी हम बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, 1 2 3 एंड गो। मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी अभी तक कमी है, अभी तक मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया, मेरी आंखों में जुदाई की नमी है साया। ये जब पहले आए थे तब वो ऐसा गा था, फिर उनकी आवाज इतनी अच्छी हो गई सीजन 5 में। मेरे जख्मों की दवा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरे जख्मों की दवा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरी तन्हाई मेरी जा पे बनी है साया, मेरी जुदाई की नमी है साया। पूरे सेट पे सबसे शांत बंदे एक ही लगते हैं बस। अपने टूटे हुए ख्वाबों को संभालूं कैसे, दे मुझे मेरा पता कोई कहाँ हूँ मौला, एक बुझे घर के चरागों का दुआ हूँ, एक बुझे घर के चरागों का दुआ हूँ मौला, मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साया। एक बात कहूं दिलदारा तेरे, एक मिनट, दानिश सर, असल में क्यों चल रहा है? अगर इनकी वजह से भी हुआ है तो ये तुम्हारा टीम मेट है, और अगर इनकी गलती मैं काउंट करूं फिर नहीं। दानिश सर अभी बस प्लीज, म्यूजिक के साथ मौका दे रहा हूँ। चलो रेडे, तुम्हारा फेवरेट है किसके इश्क ने मार दिया तुमको, रेडी गो, चलो। एक बात कहूं दिलदार तेरे इश्क ने हमको मार, बात कहूं दिलदार तेरे इश्क ने हमको मार, ये सब का जो सीख रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे, तेरे इश्क ने हमको मार। एक बात कहूं दिलदार तेरे इश्क ने हमको मारा, तेरी मस्त मस्त आंखों को कैसे कह दूं पैमाना, तेरी मस्त मस्त आंखों को कैसे कह दूं पैमाना, तेरी चाल कयामत लाए तेरी टोकर में मैं खाना। फेस पे ना एक्सप्रेशन ज्यादा होते नहीं है, बहुत ही शांत, बहुत ही ज्यादा सीरियस भी नहीं यार, सीरियस भी नहीं, मौसम भी प्यारा लगा, दे
का जो चेहरा भी प्यारा लगा गानों में झुमका तेरे सितारा लगा देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी नगमे जगा देती है हल्की सी आहट तेरी तेरे लिए मुंतजर हर एक नजारा लगा देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा किन्ना सोना तैनू बड़ा बड़े बड़ा शाबाश चलो रेडी गो प्यार तेनू अखियां दे बिचू मैं वसावां दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेनू रबड़े बनाया किन्ना सोना तेनू रबड़े बनाया दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेनू रबड़े बनाया तेरा प्यार वसा के वे की जावा कोल बिठा के तेनू दिल वाले शीशे च सजाया तेनू दिल वाले शीशे च सजाया दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेनू रबड़े बना तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो बीच में कुछ अर्जेंट काम आ गया है इसलिए हमें यहीं पर रोक के जाना पड़ रहा है इस वीडियो को लेकिन लास्ट ही तक खत्म ही हो गया था बस 15 सेकंड की वीडियो बजे थी वैसे तो आप हमारी झूठ पकड़ लेंगे आपको पता है लगभग 15-20 मिनट की वीडियो और बची थी 15-20 मिनट क्या था ये अभी अभी जस्ट काम आ गया ना देखा फोन आ गया था बीच में इसलिए थोड़ा होपलेस हो गया हूँ तो ये थी आज की वीडियो। हाँ जाने से पहले मैं बीच में एक बात बोल रहा था कि रवि का जी के बारे में कुछ ही बात याद आई रिसेंट में हमने एक वीडियो करा था बायोग्राफी रवि का जी का आप सबने भाई क्या बताएं थैंक यू सो मच यार आप देख के बहुत अच्छा लगा और हमें सच्ची बताऊं जब वो हम बायोग्राफी कर रहे थे ना देख रहे थे उस टाइम पे हमें पता चल गया था कि सब जो भी है झूठ है और हमें आपसे कन्फर्म करना था और बता दिया है लेकिन मुझे भी अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कोई कह रहा है 19 साल उनकी एज कोई कह रहा है 16 साल कोई कह रहा है 17 साल खैर वो तो कोई बात नहीं यार वैसे भी उम्र से क्या ही किसी का वो लेना है। हाँ लेकिन एक जो बारे में मतलब कि कलर्स के बारे में सब ने बोला भाई ब्लैक 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 और एक उसमें बताया गया येल्लो उसमें येल्लो बताया गया और एक और चीज के बारे में कि उनका जो डेट ऑफ वो है ना मंथ डेट ऑफ मंथ वो मार्च नहीं है सितंबर बताया है डेट ऑफ बर्थ मंथ बोल रहा ना भाई मैं मंथ की बात हो रही ना यहाँ पे अच्छा बड़ा अजीब बंदा है तो जो मंथ है मेरे ख्याल सितंबर ही बताया उन्होंने अब एग्जैक्ट सितंबर का तो नहीं पता और भी बहुत सी हाँ और भाई थोड़ा बुरा लगे ना कि मार्च का तो ये भी है नहीं नहीं वो सब नहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बीच में वो भी आया था रवि का और हुसैन की रिलेशनशिप तो वो भी हमें पता चल गया था यार जस्ट फ्रेंड वगैरह ये सब वहाँ
तो इतना सब तोड़ना तो मैं लग गया था वो कितने तो, जो भी है ये थी। लेकिन आप बताए और भी कोई अच्छा वीडियो है ना इस पर्टिकुलर चीज पे तो हम और देखना चाहते हैं कोई अच्छा सा है तो वो बताए आप। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और असुविधा के लिए खेल देखे तो बीच में बीच में वो थोड़ा सा कटपिट हो गया होगा तो माफ कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए हमारे चैनल। थैंक यू सो मच।